सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आप अच्छे ही होंगे। सो आज हम वापस आ चुके हैं आपके लिए टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जो भी रोजॉक के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको 100% आपको यूजफुल होने वाला है। और अगर वो यूजफुल हो तो हमें इंस्टाग्राम पर टैग जरूर कर लेना। और गाइस, हम जो डेली लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं फ्री ऑफ कस्टम रूम की, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पे टूर्नामेंट भी आते रहते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ओपन करो, लिंक क्लिक करो और वलसाड पबजी टूर्नामेंट को जाकर फॉलो कर लेना। तो बाकी सब रखते हैं साइड में, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। बूम। सो गाइस, आज की ट्रिक नंबर 1 जो आप देख सकते हो, रोजोक के 3 घरों में होने वाली है। आपको पता होगा अक्सर यहाँ पे काफ़ी सारी फाइट होती रहती है, तो आपके लिए हम ये ट्रिक लेके आए जो आराम से आप 1v4 क्लच भी कर सकते हो। तो गाइस, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में तो बताया हुआ है कि अकेले आप लैच ग्रेप का इस्तेमाल करके अपना जॉयस्टिक सुधार के आप कैसे यहाँ पे चढ़ सकते हो। तो सिंपली वही करना है। सबसे पहले आपको लैच ग्रेप का इस्तेमाल करके रूफ टॉप पे चढ़ जाना है। उसके बाद आप देख सकते हो, फिलहाल तो आप रूफ टॉप में मैं आ गया। रूफ टॉप के आने के बाद आप देख सकते हो, सामने वाले घर में अगर कोई हार्ड कैम कर रहा होगा, पिक लेके बैठा होगा, टीपी भी ले रहा होगा, आराम से उसको आप मार सकते हो। उसके बावजूद, उसको मारने के बावजूद अगर आपको लगे कि यहाँ पे बंदा कोई नहीं है, अगर आपको आवाज़ आ रही है वो पीछे की साइड है, तो गाइस आप यहाँ पे आके पीछे की साइड वाले को भी सरप्राइज अटैक कर सकते हो। वो बंदा सोच भी नहीं सकता हो कि भाई बंदे ने मारा कहाँ से एक्चुअली। सो गाइस, इस घर पे चढ़ने का बस यही एक तरीका है। तो फिलहाल हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। सो गाइस, आज की ट्रिक नंबर 2 जो है इस वाले घर के साथ होने वाले, एक्चुअली घर के साथ नहीं, घर के ऊपर। जी गाइस, आपने सही सुना, घर के ऊपर। हम इस घर के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन इस घर के ऊपर चढ़ने के लिए 2 व्हीकल लगेंगे, या फिर बाइक या फिर बगी। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप बगी इस्तेमाल करें, जस्ट बिकॉज बगी से यहाँ परफेक्ट लैंडिंग होती है, बाइक से नहीं होती। बिकॉज बाइक की, जब जंप के दौरान बाइक की स्पीड ना ज़्यादा हो जाती है और बाइक सीधा उस पार चली जाती है घर के, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बगी से करें। लेकिन आपको देख सकते हो, जिस डायरेक्शन में मैं आया हूँ इसी डायरेक्शन में आपको आना है बगी का इस्तेमाल करने के लिए। फुल स्पीड में लेके जाना है, और ये जमीन का थोड़ा सा हिस्सा उठा हुआ रहेगा ना, उससे आपको सीधा यहाँ पे जंप करानी है बगी। और आप देख सकते हो, बूम गाइस, हम यहाँ पे आ गए। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा, जब आपके अपने टीम के आखिरी बंदे बचे होंगे तभी ये ट्रिक इस्तेमाल करें, वरना अगर एनिमी को पता चल गया तो आपको नेड से उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी। फिलहाल हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, आज की ट्रिक नंबर 3 जो है इस वाले घर के साथ होने वाले, एक्चुअली इस वाले घर के साथ नहीं, ये वाले घर जहाँ भी होंगे, मतलब इस टाइप के घर जहाँ भी होंगे, ये वाले ट्रिक इस्तेमाल हो सकती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये वाले दरवाजे जो आपको बाहर की तरफ खोल के रख देना है, और आपके टीममेट जो होता है उसको यहाँ पे खड़ा कर देना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूँ ये ट्रिक क्या होगी। फिलहाल आपको खड़े कर देना है, फिर आपको यहाँ पे चढ़ जाना है। एक बार आप चढ़ जाओगे टेंशन मत लेना, आप यहाँ पे फर्स्ट नहीं जाते, जैसे आप दरवाजा क्लोज करोगे हो जाएगा। लेकिन सरप्राइज ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, FTP करना है, स्प्लिट का बटन इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हो, बूम गाइस, मुझे अंदर के बंदे का सारी डिटेल्स मिल गई कि बंदा एक्चुअली कहां कैंप कर रहा है, कहां पे बैठा है। और एक गाइस, यहां पे आप देख सकते हो, गोली नहीं चला सकते, गन नहीं चला सकते, लेकिन आप यहां पे नीड का इस्तेमाल कर सकते हो। जी गाइस, यहां पे आपको अगर पता चल गया कि इस डायरेक्शन में है, तो आप यहां से सीधा आप नीड डाल दो। नेट डालोगे तो आप देख सकते हो, बूम गाइस, मेरा जो टीममेट है वो यहाँ पे नॉकआउट हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे नेट अंदर जा सकता है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। अगर अंदर को एनिमी टीपी भी या हार्ड स्कोप करके बैठा होगा तो उसको आराम से आप नेट से मार सकते हो। बाय द वे गाइस, ये एक ट्रिक नहीं है, ये एक सब पबजी का ग्लिच है। सो गाइस, अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। ये ग्लिच है, जब तक ये ठीक नहीं आता तब तक एन्जॉय करो। तो बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो गाइस, आज की ट्रिक नंबर 4 जो आप देख सकते हो, रोड के इस साइड वाले घरों में होने वाले, जो ये वाला घर है यहाँ पे होने वाले। ठीक है, तो ये वाले घर में अगर कोई बंदा TPP या हार्ड कैम करके बैठा हो, तो उसको कैसे सरप्राइज अटैक कर सकते हो, आप देख सकते हो। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, छोटी सी जो दीवार बनी होती है उस पर आपको आ जाना है। उसके बाद ये जो दरवाजा है उसको आपको बाहर की तरफ खुला रखना है, और लेस ग्रिप का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे पहले सबसे पहले ऊपर आ जाओ। फिर अगर आपको लग रहा हो कि बंदा यहाँ नहीं है, पीछे वाले हिस्से में है, तो आपको कुछ नहीं करना, छोटी सी जो ये रेलिंग जैसी कुछ बनी हुई है उस पर आपको वॉक करना है। स्प्लिट का इस्तेमाल करके आराम से वॉक कर सकते हो। जहां पे भी बंदा TPP ले रहा है उसके पीछे जाके आप सरप्राइज कर दो। जैसे कि आप देख सकते हो, आराम से इसके पीछे में आ गया, आराम से उसको नॉक भी कर दूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो बंदा सोच भी नहीं सकेगा बंदा कब ऊपर आया और मार के चला भी गया। तो गाइस, अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सीधा चलते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। सो गाइस, आज की ट्रिक नंबर 5 जो आप देख सकते हो, रेड वाले घर में होने वाली है। ये वाले घर में एक्चुअली बहुत भसड़ मस्ती, आपको पता ही है। तो गाइस, आपको कुछ नहीं करना, हम आपके लिए सिंपल से ट्रिक लेके आए इस भसड़ को मिटाने के लिए। कुछ नहीं करना गाइस, आपको सबसे पहले ये ब्लू वाले स्टेयर्स या रेलिंग्स, आप कुछ भी बोल लो, उसके ऊपर आपको चढ़ जाना है। ठीक है, इसके ऊपर आप देख सकते हो छोटी सी रेलिंग्स बनी, आपको वहाँ पर चढ़ जाना है। फिर आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ, इस पर आ गए। इसके बाद आपको दरवाजा जो है बाहर की तरफ खुला रखना है। ठीक है, बाहर की तरफ खुला रखना है, सीधा आपको यहाँ से जंप करना है, और इसके बाद आप यहाँ पर रेलिंग्स पर आ जाओगे। अगर आपको बंदा लगे यहाँ पर नहीं है, थोड़ा पीछे की
रहता है, आप आराम से मूव करते रहो और आप अंदर के रूम में आ जाओगे और उसके सरप्राइज अटैक कर दोगे, आपको उसको पता भी नहीं चलेगा भाई ये पीछे कब आ गया और मार के चला गया। सो आई होप गाइस आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद है। सारी ट्रिक में से आपको कोई भी ट्रिक यूजफुल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैंशन कर देना ताकि मुझे पता चले। अभी रुको ज़रा, बोनस ट्रिक देख के जाओ। तो आज की बोनस ट्रिक आप देख सकते हो, अभी जो इवेंट चल रहा है वहाँ पे है, आप देख सकते हो मेरी जो फ्रेंड यहाँ पे यूज़ कर रही है ये वाले ट्रिक, मैं यूज़ कर चुका हूँ, अंदर आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हो दीवार के बीच में आप आ जाओगे गाइस, आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये वाले ट्रिक में क्या करना है। आपको पता ही है जो आप बहुत सारे पजल्स होते हैं, पजल के पीछे की साइड आपको जंप करते रहना है, तो आप जंप करोगे तो आप सीधा आ जाओगे। तो आप देख सकते हो आप सीढ़ियों के पीछे भी मैं आ सकता हूँ। यस गाइस, अगर आपके पास पूरी की पूरी स्क्वाड आप पे अटैक कर रही है, ठीक है, आपके पीछे पड़ी हुई है, आपको मारने के तुलिए, तो गाइस आप कुछ मत करो, इजी ट्रिक है, आप जंप करते रहो, आप अंदर आ जाओगे। एक दो बारी में आप आ जाओगे और आप एक स्टेयर्स के एक बार अंदर आ गए ना, तो उसके बाद तो आपको मारना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। 10 मिनट तक वो परेशान हो जाएगी कि इसको बंदे को मारे कैसे, उनका नेट नहीं आएगा। लेकिन यस गाइस आपका नेट बाहर जा सकता है, आप देख सकते हो मैं अभी यहाँ पे नेट डालूंगा और मेरा जो टीममेट हो यहाँ पे नॉक हो जाएगा। आप देख सकते हो नेट यहाँ पे बाहर जाता है और आप टेंशन में इतना यहाँ पे नहीं फंस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जाने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कुछ मत करो। आप देख सकते हो ये जो स्टेयर्स है, आपको दिखा दो, आपको ये थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा था बाहर जाने के पीछे साइड से, लेकिन नहीं होता। कुछ नहीं करना गाइस, आपको सिंपल सी ट्रिक है, आपको ये आपको स्टेयर से सीधा बाहर घुस देना। आप देख सकते हो मैं आपको बाहर आ गया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। वीडियो पसंद है तो लाल वाला बटन दबा देना। Let's go.